गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं भरत कुमार गुप्ता आईएएस इंस्टीट्यूट चैनपुर की तरफ से आज आप सभी को रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री में संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालना उसकी संयोजकता बोरबरी के नियम के द्वारा बता रहा हूँ। जहाँ आप देख लीजिए बोर्ड पर सभी अंकित हैं, मैं आपको इसको समझा दे रहा हूँ। जैसे सबसे पहले ये आप देख लीजिए कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में है, जिसे बाकी उसके जितने भी अक्ष है उसमें उसको के एल एम एन से दर्शाया गया, जिसे हम 1 2 3 4 के द्वारा भी देख सकते हैं। आप इसको इस सूत्र के द्वारा भी प्रूफ कर सकते हैं, जैसे के अक्ष में 2 कैसे हुआ, एल अक्ष में 8 कैसे हुआ, एम अक्ष में 18 कैसे हुआ, एन एच में 32 कैसे हुआ। जैसे इस फॉर्मूला पर भी हम चेक करते हैं, 2 एन के जगह गुणे 1 इसका पावर 2 है, तो कितना आया 2 × 2, ये 2 के पावर 2 ही हो जाएगा। यहां वही हो जाएगा 2 गुणे आपका 2 का पावर 2, यानी कि 2 × 4 × 8, ये आ जाएगा 2 गुणे 3 के पावर 2, 2 × 3 = 6 और 6 = 18। ये कंडीशंस भी आपका वही कंडीशन जा रहा है 32, यानी कि इसके किस अक्ष में कितने कोष इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 2, 8, 18 और 32। इसके लिए सबसे पहले आप यहां बोर्ड में देख लीजिए, जैसे किसी परमाणु के अंतिम कक्ष में सिर्फ अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। इसके अलावा यहां ये नोट है, किसी कक्ष की अंतिम सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो संयोजकता के लिए है। इसके अलावा किसी तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 हो तो उसकी संयोजकता भी 1 2 3 4 होगी, या किसी तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 6 7 8 हो तो उसकी संयोजकता यानी वैलेंसी निकालने के लिए हम उस इलेक्ट्रॉन को 8 में से घटाकर बताएं जो कि 1 2 3 4 5 होगी। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं Na यानी कि सोडियम, इसका परमाणु संख्या यानी कि 11 है। इसको निकालने के लिए पहला हमने कक्ष के लिए 2, दूसरा कक्ष के अकॉर्डिंग 8 और अंतिम कक्ष में 1 आएगा। आप इस चीज को भी देख सकते हैं इस नियम के हिसाब से कि ये L और ये M अक्ष हो गया, यानी कि इसको दिखा दें तो K अक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, L अक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन और M अक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन, हम इसके सहारे दिखा सकते हैं। ये एक जो अंतिम कक्षा में एक आया ये उसका है संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसके साथ साथ ये इसकी संयोजकता भी है। बचे हुए जो ये 10 हैं, इस 10 को हम कह सकते हैं कोर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये इसके नाभिक में है। ये कोर इलेक्ट्रॉन 10 हो गए और इसकी वैलेंसी यानी संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1। आगे मैं जब ले लेता हूं जैसे कार्बन सी, इसकी परमाणु संख्या कितनी है, 6। इसे निकालने के लिए पहला कक्षा में देख लीजिए 2, इसके बाद कितना बचा तो 4, इसका 4 इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया, 4 क्या हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन। यदि इसकी संयोजकता को हमें जानना है तो 8 में से हम 4 को निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहां मैंने दिखाया है आपको कि 1 2 3 4 यानी उसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 है, तो संयोजकता क्या होगी 1 2 3 4 होगी। यदि उससे ज्यादा होता है तो हम 8 से माइनस कर देंगे, फिर भी मैं आपको यहां दिखाता हूं। मान लीजिए आर्गन इसका हो गया 18 के लेकर 2 8 8, 2 8 10 8 18 8, इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या हो गया तो 8, और संयोजकता के लिए 8 - 8 = 0, ये इसकी संयोजकता। इस तरह आप किसी भी परमाणु यानी किसी भी तत्व की क्या कर सकते हैं, उसकी वैलेंसी
और संयोजी इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन सारे के सारे जान सकते हैं। वैसे भी जहां तक है कुल 118 तत्व, कुल 118 तत्वों में 6 तत्व अस्थाई है, 112 अस्थाई है। आज की वीडियो में आज आपको यहीं तक देंगे, इसके बाद अगले वीडियो में हम आपको दूसरे नियम के साथ चलेंगे। आज के लिए धन्यवाद।